हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैक लेके आई हूँ, जो आपके हेयर, आपकी स्किन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ ओरिगेंज के हिबिस्कस पाउडर की। जो ये हिबिस्कस फ्लावर से बना हुआ पाउडर है और इसमें कुछ भी नहीं मिक्स है, सिर्फ ये फ्लावर का बनाया हुआ पाउडर है। मैं यहाँ पे हेयर पैक के लिए पैक तैयार कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे ओरिगेंज का ही इंडिगो पाउडर और ओरिगेंज का ही हिना पाउडर भी यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पैक तैयार करने के लिए, इस पाउडर का पैक तैयार करने के लिए इन सारी चीज़ों को भी ज़रूरत हो। मैंने मेरे पास थे तो मैंने ये यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे कोकोनट ऑयल या कर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल और कर्ड दोनों एक साथ नहीं डालना है, आप नॉर्मल वाटर के साथ भी ये पैक लगा सकते हो। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो जब भी पैक तैयार करो नॉर्मल वाटर के साथ या कर्ड के साथ, तो आप एक साथ अपने स्किन पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। इस पैक को लगाने के बाद आफ्टर वॉश आप देखोगे कि आपको बहुत ही फ्रेश सा महसूस हो रहा है। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी स्किन भी काफ़ी ग्लो करने लगती है इस पैक को लगाने के बाद, और आपके हेयर पे भी बहुत ही अच्छा चमक आएगा। बट जरूरी ये नहीं कहूँगी कि आपको इसी से बस एक बार यूज़ करने के बाद ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको अगर इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको हर वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करिए आप, और आपके अपने हेयर पर भी लगाइए और अपने फेस पर भी लगाइए। रियली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उसके बाद, मतलब हेयर पर लगाने के बाद आफ्टर वॉश आप देखोगे तो आपको जो है कि बहुत अच्छा कलर भी मिलेगा। हेयर पे बहुत अच्छा कलर आता है। मैंने यहाँ पे खुद से लगाना स्टार्ट किया है, बट लगवाया था मैंने अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो हस्बैंड ही मेरे लगाते हैं हेयर पे। अब मैंने बस स्टार्ट किया और मैं अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ। और अगर आप इस तरह का पैक लगाती हो तो ये आपको हेयर के स्कैल्प में तक लगाना चाहिए। सो मैं इसलिए हस्बैंड से ही लगाती हूँ। सो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ किया और इसका जो पैक है वो काफ़ी स्मूथ बनता है। यहाँ पे फिर मैंने अपनी फेस पैक के लिए बनाया है पैक, और इसमें मैंने नॉर्मल रोज़ वाटर यूज़ किया है और कुछ नहीं यूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो विटामिन ई की कैप्सूल भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने एक दो बार विटामिन ई की कैप्सूल के साथ भी बनाया था। अभी मेरे पास ये ख़त्म हो गया था। स्किन पे भी आपको बहुत अच्छा ग्लो लाता है। हेयर फॉल की जैसे बात करो तो ये दूर करता है आपके हेयर फॉल के लिए ये पैक, और आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, साथ में हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। स्किन के लिए एक नेचुरल ग्लो ग्लोइंग स्किन करता है। आपको इसके लिए वीक में कम से कम दो बार पिया फेस पैक अपनी स्किन पे लगाइए, फेस पे लगाइए, और एक्सेस ऑयल को ये कंट्रोल करता है। क्योंकि कोई भी अगर पैक आप यूज़ करते हो तो आपको वीक में कम से कम दो बार यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो ठीक है, पर रेगुलर वीक में एक बार यूज़ करने पे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको एक बार लगाने पे इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। और हिबिस्कस ओरिगेंस के जो हिबिस्कस पाउडर की मैं बात करती हूँ, तो इसका जो है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। 257 इसकी प्राइस है, बट आप ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी और 257 में आपको मिल जाएगा। इस पैसे इस पर काफ़ी ऑफर्स भी चलते रहते हैं। सो मेरा यहाँ पे पैक लग के तैयार है और मैं वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ रिजल्ट।